नमस्कार सभी साथियों को। तो आज अपने CET 12th और ग्रेजुएशन लेवल 2024 का जो बैच चल रहा है अपने, उसका जो पेपर हुआ था 27 तारीख को, उसकी आंसर की बात करते हैं आज। तो ये 27 तारीख को पेपर हुआ था। तो अपने सबसे पहले चलते हैं भारत के भूगोल पर। देखो, भारत के भूगोल का पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम मैंने बताया था आपको 2933 किलोमीटर थी, और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर लंबाई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी आपका, 3214 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगाने वाले देश की कितनी सीमा भारत के साथ लगती है। तो भारत के साथ 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा लगाते हैं, और उन 7 देशों में सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश लगाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगाने वाले देश की कितनी सीमा भारत के साथ लगती है। तो बांग्लादेश की लगती है 4096 किलोमीटर, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। तो यहाँ अपने से पूछा गया था सबसे ज़्यादा का, तो 4096 किलोमीटर ए ऑप्शन होगा इसका। अगला अपना क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी तट पर स्थित सबसे उत्तरी बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का पश्चिमी तट पर स्थित सबसे उत्तरी बंदरगाह, पश्चिमी तट पर सबसे उत्तर में अपना गुजरात राज्य आता है, और गुजरात राज्य का बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। ये पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी बंदरगाह है। अगर बात करें पूर्वी तट की, तो पूर्वी तट का सबसे उत्तर में पश्चिम बंगाल राज्य आता है, और पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह आता है। तो पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी बंदरगाह कांडला बंदरगाह होगा, ए ऑप्शन इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य जलीय सीमा नहीं लगाता। तो राज्य पूछा गया है जो जलीय सीमा नहीं लगाता, तो गुजरात लगाता है बिल्कुल, महाराष्ट्र भी लगाता है, तेलंगाना नहीं लगाता जी। तो इसका सी ऑप्शन होगा तेलंगाना, उड़ीसा भी लगाता है। तो तेलंगाना राज्य सीमा जलीय सीमा नहीं लगाता, क्योंकि ये चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है जी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो यहाँ ऑप्शन में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश दिया है, तो बिल्कुल दक्षिणी अक्षांश नहीं होगा, भारत उत्तरी अक्षांश में है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तो इसका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य आपका महाराष्ट्र है, तो इसका सी ऑप्शन होगा। सबसे बड़ा राज्य तो है राजस्थान, दूसरा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, और तीसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, तो इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से लक्षद्वीप जो है वो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, लक्षद्वीप। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 0 डिग्री देशांतरीय रेखा व भारत की मानक समय रेखा में कितने समय का अंतर है। तो 0 डिग्री देशांतरीय रेखा जो कि विश्व की मानक समय रेखा है, और भारत की मानक समय रेखा, तो भारत की मानक समय रेखा तो 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ध्यान रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत की मानक समय रेखा है जिससे भारत का समय निर्धारित होता है। तो इसमें समय का अंतर पूछा गया है कि 0 डिग्री देशांतर और 82.5 डिग्री देशांतर के बीच में कितने टाइम का अंतर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1 डिग्री देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ अपने को 82.5 डिग्री को, तो 82.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करने पर तो आंसर आएगा आपका 330 मिनट। 82 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 328 आएगा, और आधे डिग्री के लिए 2 मिनट यूज होगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट का समय लेता है, तो आधा डिग्री देशांतर के लिए 2 मिनट आएगा। तो 328 प्लस 2 बराबर 330। तो 0 डिग्री देशांतरीय रेखा और भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इनके बीच कितने समय का अंतर है, तो 330 मिनट का अंतर है। या अगर घंटों की बात करें तो 5 घंटे 30 मिनट
5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, और ये 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है हमेशा, ध्यान रखना। जैसे जैसे अपने पूर्व में चलेंगे, देशांतर पूर्व में चलेंगे, तो 4-4 मिनट प्लस होते जाएंगे, तो भारत का समय 330 मिनट आगे चलता है 0 डिग्री देशांतरीय रेखा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा देश भारत से स्थलीय सीमा नहीं लगाता? तो अफगानिस्तान बिल्कुल लगाता है, 106 किलोमीटर स्थलीय सीमा लगती है। श्रीलंका की नहीं लगती भी, क्योंकि श्रीलंका और भारत के मध्य एक जल संधि है, जलीय भाग है, जिसको पाक जल संधि कहा जाता है। क्या कहते हैं? पाक जल संधि। ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य जो संकरा जलीय क्षेत्र है उसको कहा जाता है। तो श्रीलंका की स्थलीय सीमा भारत के साथ नहीं लगती। बांग्लादेश की बिल्कुल लगती है, बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लगती है, जो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगाने वाला देश है। म्यांमार की भी बिल्कुल लगती है, तो बी ऑप्शन होगा, जिसकी भारत के साथ स्थलीय सीमा नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? तो जैसा कि बताया गया आपको कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो इनमें से उत्तर प्रदेश राज्य है वो वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो ये हमारे भारत के भूगोल के 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद है सभी ने आंसर ध्यान से देख लिए हैं। अब अपने आगे चलते हैं राजस्थान के भूगोल की तरफ। तो राजस्थान के भूगोल के आपके 10 क्वेश्चन करवाएंगे केशव सर। नमस्कार सभी को। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय, जो आपका टॉपिक था राजस्थान के भूगोल का। जो प्रथम प्रश्न है इसका, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम कब किया गया था? तो आपको पता होगा कि जो राजपुताना शब्द का इस्तेमाल है राजस्थान के लिए, वो किया था जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस नाम के व्यक्ति थे, आयरलैंड के निवासी, उन्होंने किया था। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा बी उत्तर, जो है बै उत्तर। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर व अक्षांशीय रेखा कर्मशः, तो ये आपको ध्यान रखना था प्रश्न में कि कर्मशः पूछा था उसने। एक तो पूछा था देशांतर, यानी आपको पहले देशांतर मध्यवर्ती बतानी है, फिर बतानी है अक्षांशीय। तो हम बात करें तो सबसे जो मध्यवर्ती देशांतर रेखा है वो तो है राजस्थान की 74 डिग्री, और अक्षांशीय रेखा है वो 27 डिग्री। तो इसका जो उत्तर होएगा वह सह उत्तर सही होएगा, 74 डिग्री मध्यवर्ती अक्षांशीय रेखा है राजस्थान की, और 27 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है वो मध्यवर्ती अक्षांशीय रेखा है राजस्थान की। दोनों का जहाँ पर मिलन होता है वो राजस्थान में स्थान का नाम है लामपोलाई, जिसे राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान कहते हैं, जो कि नागौर जिले में स्थित है। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर जो आएगा वो 869 किलोमीटर है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो वो आपकी जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर होती, लेकिन इसमें पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर की पूछा गया, तो इसका जो सही उत्तर होएगा वो दय उत्तर होएगा, 869 किलोमीटर। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा है। तो इसमें देखिए जो प्रथम जो आपका जो ऑप्शन दिया गया है उसका उसमें लिखा गया 23 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए जो अपना अक्षांशीय विस्तार है, मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान है वो उत्तरीय गोलार्ध, जो विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो पूर्वी देशांतर तो नहीं हो सकता। तो इसका जो सही उत्तर था वो दय उत्तर था, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की विकर्णों की लंबाई के मध्य अंतराल पूछा गया। तो आपको मैंने बताया था विकर्णों की लंबाई जो है वो उत्तरी पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्व तक तो है 850 किलोमीटर, और वहीं हम बात करते हैं उत्तरी पूर्व से लेकर दक्षिणी पश्चिम तक है 784 किलोमीटर। इनका जब हम अंतर निकालेंगे तो ये हमारे पास निकलेगा 66 किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सह उत्तर होगा, 66 किलोमीटर जो है राजस्थान के विकर्णों की कुल लंबाई के मध्य अंतराल पाया जाता है। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य की अंतरराज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो अंतरराज्यीय पूछा है। आपको पता होगा कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसे हम 2 भागों में बांटते हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय और एक है अंतरराज्यीय। तो अंतर्राष्ट्रीय तो है 1070, लेकिन प्रश्न में पूछा गया आपसे अंतर्राज्यीय सीमा, तो अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो है 4850 किलोमीटर। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो 4850 किलोमीटर बै उत्तर सही उत्तर होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा हमारे पास आ जाती है, जो कि होती है 5920 किलोमीटर। फिर हम आगे चलते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर राज्य का निम्न में से कौन सा जिला स्थित नहीं है? नहीं है पूछा गया तो आपको पता होगा कि जैसलमेर बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, अनूपगढ़ जो अभी नवीनतम जिला बना है वो भी इस पर स्थित है, फालोदी जो जिला है वो आपका इस पर स्थित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा फालोदी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर नहीं स्थित है, बाकी जैसलमेर अनूपगढ़ बीकानेर यहाँ पर स्थित है। तो आपको इसका क्रम भी ध्यान रखना है, पहले श्रीगंगानगर, फिर अनूपगढ़, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और अंत में आता है बाड़मेर। ये पाँच जिले जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर स्थित हैं। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा जिला अपनी सीमा दो राज्यों से नहीं लगाता? तो दो राज्यों से लगाने की बात आई है तो सर्वप्रथम हम देखते हैं हनुमानगढ़ जो कि हरियाणा व पंजाब दो राज्यों से सीमा लगाता है। डीग जो अभी नवीनतम जिला बना है इसकी सीमा भी दो राज्यों से लगती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। भरतपुर जो जिला है ये अपनी सीमा दो राज्यों से नहीं लगाता, इसकी सीमा सिर्फ उत्तर प्रदेश से लगती है। वहीं हम करें बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा जो जिला है वो मध्य प्रदेश व गुजरात दोनों जिलों से राज्यों से अपनी सीमा लगाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भरतपुर होगा। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य का कौन सा जिला अपनी सीमा सर्वाधिक पड़ोसी जिलों से साझा करता है? तो अभी जो नवीनतम हमारा जिला बना है जयपुर ग्रामीण, ये राज्य का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक यानी कि 10 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, इसलिए जो सर्वाधिक जिलों से अपनी सीमा साझा करने वाला जिला वो कौन सा होगा? जयपुर ग्रामीण जिला। फिर हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। कोटपुतली बहरोड जिले का गठन किन जिलों के पुनर्गठन द्वारा बना है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड, ये आपका जयपुर व अलवर जिलों का पुनर्गठन कर इस नए जिले का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार हमारे 10 प्रश्न राजस्थान के भूगोल के पूर्ण होते हैं। उम्मीद आप लोगों को इसकी आंसर की समझ में आ गई होगी। तो सभी साथियों ने राजस्थान भूगोल की आंसर की देख ली होगी, उम्मीद है सभी को समझ में आ गई होगी। तो अपने इंडियन ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, राजस्थान ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अपने चलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल के 10 क्वेश्चनों की तरफ। देखो इस बार विश्व भूगोल के जो 10 क्वेश्चन हैं वो अपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से दिए गए हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपको टॉपिक करवाया है, उन्हीं में से आपके 10 क्वेश्चन आए हैं। तो अपने चलते हैं विश्व भूगोल के 10 क्वेश्चनों की तरफ। तो देखो पहला क्वेश्चन है, तो अपना पहला क्वेश्चन है अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दिशा पूछी गई है कि अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कौन सी दिशा में स्थित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं हैं, जैसे अपलेशियन पर्वत है, रॉकी पर्वत है, ब्रुक रेंज पर्वत है, सेरा निवादा पर्वत है। तो उन्हीं में से एक अपलेशियन पर्वतमाला है, ये उत्तरी अमेरिका के उत्तर में नहीं है, दक्षिण में नहीं है, पश्चिम में नहीं है, ये उत्तर पूर्व में है। बिल्कुल बी ऑप्शन होगा आपका, उत्तर पूर्व में। और मुख्यतः ये अपलेशियन पर्वत जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश के अंदर स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका के भी उत्तर पूर्वी भाग में है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भी उत्तर पूर्वी भाग में है। तो इसका ऑप्शन आपका बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सानारन मरुस्थल स्थित है, ये सानारन नहीं है सोनारन मरुस्थल है। तो ये सोनारन मरुस्थल स्थित है तो उत्तरी अमेरिका का ये मरुस्थल है और ये मैक्सिको देश के अंदर स्थित है, उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको देश में सोनारन मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेरीज घास के मैदान स्थित हैं। तो प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं? देखो प्रेरीज घास के मैदान अपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के घास के मैदानों को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। देखो हर महाद्वीप में घास के मैदानों के अलग अलग नाम हैं, जैसे मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप करवाया था, अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदानों को सवाना घास के मैदान कहते हैं और दक्षिणी अफ्रीका के अंदर जो घास के मैदान हैं उनको वेल्ड्स घास के मैदान कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो घास के मैदान हैं उनको पंपास घास के मैदान कहा जाता है और उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सीमा रेखा पर स्थित हैं, अर्थात उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में स्थित जो घास के मैदान हैं उनको प्रेरीज घास के मैदान कहा जाता है। तो प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेल्ड्स घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया वेल्ड्स घास के मैदान ये अफ्रीका के अंदर हैं और अफ्रीका महाद्वीप में भी कौन से, दक्षिणी अफ्रीका देश के अंदर। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में घास के मैदान हैं उनको तो सवाना घास के मैदान कहा जाता है, लेकिन जो दक्षिणी अफ्रीका देश है अफ्रीका के सबसे दक्षिण में उसके अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको वेल्ड्स घास के मैदान कहा जाता है। तो वेल्ड्स घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? तो दक्षिणी अफ्रीका देश के अंदर स्थित हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात। और ये जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये जलप्रपात आपका संयुक्त राज्य अमेरिका देश के अंदर स्थित है। इरी और ओंटेरियो झील, तो जो द ग्रेट लेक्स झीलें हैं उत्तरी अमेरिका की, 5 झीलें हैं, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरोन झील, इरी झील और ओंटेरियो झील। तो उनमें जो लास्ट 2 झीलें हैं इरी और ओंटेरियो, इस इरी और ओंटेरियो झील के मध्यवर्ती भाग में ये नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा नदी है बहती है और नियाग्रा नदी पर नियाग्रा जलप्रपात है जो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। और भारत का अगर सबसे चौड़ा जलप्रपात की बात करें तो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है। देखो चित्रकूट, ये चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, भारत का नियाग्रा, क्योंकि नियाग्रा जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात है विश्व का और भारत का सबसे चौड़ा चित्रकूट है। तो भारत का नियाग्रा कौन है? चित्रकूट जलप्रपात है। और ये चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, ध्यान रखना, इंद्रावती नदी पर। और कौन से राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है। तो अपना प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका देश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बिल्कुल मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। अमेरिका टोटल विश्व में मक्का के उत्पादन का 50% मक्का उत्पादन कहाँ होता है? तो अमेरिका देश के अंदर होता है। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो देखो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, जो मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से अगर देखें तो 2 नहरों का सबसे ज़्यादा महत्व है, एक तो है स्वेज नहर और एक है पनामा नहर। ये 2 नहरें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बनाई गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से विश्व की सबसे महत्वपूर्ण नहरें हैं। तो अपने यहाँ क्वेश्चन पूछा गया अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर, तो अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ती है पनामा नहर। तो इसमें आपका सी ऑप्शन है, पनामा नहर है। तो इस प्रकार उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक बहुत ही संकरे भूभाग से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। इस भूभाग को यहाँ से काट कर यहाँ से नहर निकाली गई पनामा नहर। इस साइड महासागर है अटलांटिक महासागर और पश्चिमी दिशा में महासागर है प्रशांत महासागर। इन प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए इस भूभाग को काट दिया गया और यहाँ से ये नहर निकाली गई है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर अपने स्वेज नहर की बात करते हैं तो स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ, और लाल सागर जो है ये किसका हिस्सा है? ये हिंद महासागर का हिस्सा है, और भूमध्य सागर है ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि स्वेज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, तो महासागरों तो होगा अटलांटिक और हिंद महासागर। अगर पूछा जाता है स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल सागर जो कि हिंद महासागर का भाग है, भूमध्य सागर जो कि अटलांटिक महासागर का भाग है। और यदि पनामा नहर का पूछा जाए तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और उत्तरी अमेरिका को, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है, क्योंकि दोनों एक संकरे भूक्षेत्र के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। इसको काट कर यहाँ इन 2 महासागरों को जोड़ दिया गया है। तो अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ने वाली नहर है पनामा नहर, सी ऑप्शन आपका। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो कि अमेरिका के अंदर है, लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील। तो मैंने आपको बताया था द ग्रेट लेक्स झील नाम की 5 झीलें हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पाई जाती हैं। 5 झीलें किस प्रकार हैं? सबसे पहले सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील के बाद मिशिगन झील है, मिशिगन झील के बाद ह्यूरोन झील है, ह्यूरोन झील के बाद इरी झील है, इरी झील के बाद ओंटेरियो झील है, और ओंटेरियो झील से एक नदी निकलती है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस
नदी, और ये सेंट लॉरेंस नदी इधर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो इन पांच झीलों में जो सबसे पहली झील है सुपीरियर झील, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो कहाँ स्थित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ पर ये कनाडा का बॉर्डर है और ये यूएसए है और ये कनाडा है। तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर ये स्थित है। इन पांचों झीलों में से एकमात्र मिशिगन झील ऐसी झील है जो सिर्फ यूएसए के भूक्षेत्र में आती है, बाकी ये चारों झीलें यूएसए और कनाडा की सीमा रेखा के ऊपर स्थित हैं। तो इनमें से सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये रेल मार्ग क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कहाँ पर है? तो रूस में है, ध्यान रखना। और रूस के एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ता है। रूस के कौन से सिरे को? तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, रूस के पश्चिमी सीमा पर सेंट पीट्सबर्ग नामक स्थान है। सेंट पीट्सबर्ग से ये शुरू होता है और पूर्वी तटीय भाग रूस का व्लाडी वोस्टक, ये एक बंदरगाह है रूस का। तो रूस के पूर्वी सिरे को रूस के पश्चिमी सिरे के साथ जोड़ता है, और रूस के पूर्वी सिरे पर व्लाडी वोस्टक बंदरगाह है और पश्चिमी सिरे पर सेंट पीट्सबर्ग स्थान है। तो ये दोनों सिरों को जोड़ता है और यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहलाता है, क्योंकि रूस का जो उत्तरी भाग है उसको साइबेरियाई क्षेत्र कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। और यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। लंबाई कितनी है? तो 9322 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये किस देश में है? तो रूस में है। और महाद्वीप की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप के एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ता है, या कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप पूरे महाद्वीप को ये क्रॉस करता है, इसलिए इसको पार महाद्वीपीय रेल मार्ग भी कहा जाता है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वो होते हैं जो एक पूरे महाद्वीप को पार करते हैं, अर्थात पूरे महाद्वीप के एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ते हैं। तो ये एशिया का पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रूस देश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, किम्बरले किसकी खानों के लिए विख्यात है? तो किम्बरले जी हीरे की खानों के लिए विख्यात है, हीरे के लिए। तो हीरे की किम्बरले जो दक्षिणी अफ्रीका की हीरा मंडी है वो किम्बरले है। तो किम्बरले हीरे के लिए विश्व विख्यात है। तो ये अपने विश्व भूगोल के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे जानते हैं रसायन, जो अपने विज्ञान का पोर्शन था उसके अंदर अपने रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित जो प्रश्न थे उनके आंसर क्या कुछ हैं। तो फर्स्ट प्रश्न था, दो समान परमाणुओं या लगभग समान विद्युत ऋणता वाले असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना बंध क्या कहलाता है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, आण्विक बंध और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट अपने पास अगला प्रश्न, वह अणु जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जिसका ऑक्सीकरण होता है वह क्या कहलाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अपचायक, ऑक्सीकारक, विजायक या रेडॉक्स। तो जो सही आंसर है इसका अपचायक। अगला प्रश्न है अपने पास, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा सेपी की अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए ऊष्मा सेपी वो होती है जिसमें ऊष्मा का त्याग होता है, और ऊष्मा शोषी वो होती है जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है। चार ऑप्शन है, श्वसन ऊष्मा सेपी है, दहन ऊष्मा सेपी है और जैविक अपघटन भी ऊष्मा सेपी है। इसमें पूछा है कौन सी अंतर्गत में नहीं आती है, तो ऑप्शन डी सही होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न है अपने पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपको पता है कि मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन से क्रिया करवाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जुड़ना जरूरी है, जुड़ने के लिए आप बोलोगे संयोजन अभिक्रिया, सही आंसर इसका। पाँचवा प्रश्न है, ऐसा सहसंयोजक बंध जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन केवल किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं तो क्या कहलाता है? तो सही आंसर होगा इसका उप सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, निम्न में से इनमें कौन सा बंध पाया जाता है? तो यहाँ पर आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध दोनों पाए जाते हैं, ए और बे आंसर दोनों होगा। नेक्स्ट है
ऐसे ग्लूकोज का मूलानुपाति सूत्र, तो ग्लूकोज का जो मूलानुपाति सूत्र है उसमें अनुपात आएगा 1:2:1, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो जो भाग लेने वाले हैं वो अभिकारक होते हैं, जो बनते हैं वो उत्पाद भी कहते हैं क्रियाफल, और उत्प्रेरक तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या घटाता है। नेक्स्ट है, बर्फ़ से जल का बनना किस तरह की अभिक्रिया है, तो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट, समांगी मिश्रण सदैव होता है, ये हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होता है, बाकी दोनों में किसी में भी नहीं होता है। तो ये थे हमारे अभिज्ञान के प्रश्न, और हम अभी कर रहे हैं CET की जो आंसर की है उसको, आगे आपके लिए जो आंसर मैम लेके आएंगे हिंदी के, तो हिंदी का जो सेक्शन है उसे निकाल लेते हैं अपने, हिंदी में आपको दिया हुआ है, आपको हिंदी के ये संधि के कुछ प्रश्न है, तो आपको पूरा डिटेल से तो किसी और वीडियो में बताएंगे, इसमें सिर्फ आपको आंसर बताएंगे कि आंसर क्या होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं मैम के साथ। हाँ जी, आगे देखिए हिंदी के जो क्वेश्चन हैं संधि के, उनकी आंसर की है CET में, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भवन में हमारे पास जो सी आंसर है भो प्लस अन, ये इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है, महेंद्र में कौन सी संधि होगी, तो महेंद्र में एक मात्रा लगी हुई है, एक मात्रा गुण संधि में आती है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय शब्द में संधि है, तो पुस्तकालय में आ की मात्रा हमेशा दीर्घ स्वर संधि होती है। उसके बाद है, स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो स्वच्छ में सु प्लस अच्छ जो है ये इसका संधि विच्छेद है। निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण है, तो अयादि संधि जो है वो गायन के अंतर्गत है। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। गुण संधि से बना शब्द है, तो गुण संधि से बना जो शब्द है वो है साहित्योन्नति। किस क्रमांक में मधु प्लस आचार्य की संधि है, तो मध्वाचार्य इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो वृद्धि संधि महा प्लस ऊर्जा में नहीं है। नेक्स्ट है, गंगोदक में कौन सी संधि है, तो गंगोदक में गुण संधि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के इतिहास में प्रश्नों को, बोताला का युद्ध कब लड़ा गया, तो सही आंसर है 1227 के अंदर। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था, ये रख दिया था खिजराबाद अपने बेटे खिजर खां के नाम पर। जावर की चांदी खान जो है वो किसके समय खोजी गई थी, तो महाराणा लाखा के समय खोजी गई थी। किस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, तो ये सही आंसर है सारंगपुर के युद्ध की विजय के बाद। मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा गया है, कीर्ति स्तंभ को कहा गया है। नेक्स्ट, मेवाड़ का जो पितर हंता है वो किसे कहा गया है, महाराणा उद्धा को कहा गया, क्योंकि इन्होंने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। 67 नंबर प्रश्न है, इतिहास में इंदुपत के नाम से प्रसिद्ध मेवाड़ का शासक कौन था, तो महाराणा कुंभा जो सही आंसर है कुंभा। नेक्स्ट, 68, कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को सैनिक का भग्नावेश कहा है, तो महाराणा सांगा को कहा है। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत की रचना कब हुई थी, तो 1540 में हुई। और लास्ट प्रश्न है, पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण कुंभा को क्या क्या कहा गया है, तो पहाड़ी दुर्गों में विजेता होने के कारण इन्हें हाल गुरु कहा गया है। चलिए नेक्स्ट जो बाकी हैं आपको अक्रम सर करवा देंगे फटाफट, चलिए आंसर देखते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अपने विज्ञान के आंसर की हो चुकी है, और भारत का भूगोल की भी आंसर की हो चुकी है, राजस्थान का भूगोल की आंसर की भी हो चुकी है। अपने आते हैं तर्क शक्ति पर, आपको फुल एक्सप्लेनेशन सर एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी जाएगी, अभी मैं आपको सिर्फ इसके आंसरों के निशान लगाऊंगा। तो देखते हैं अपने इसका पहला क्वेश्चन, देखो 15 जनवरी 2006 को गुरुवार है, तो 20 सितंबर 2006 को क्या वार होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी रविवार। उसके बाद 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है, तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका सह रविवार। उसके बाद निम्न में से कौन सा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है, तो इसका सही आंसर होगा 1600। 34वां क्वेश्चन है, 8 फरवरी 2016 को क्या वार होगा, तो इसका सही आंसर आपका होगा सोमवार। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी 1 बजे एक बार, दो बार, 2 बजे दो बार, 3 बजे 3 बार, उसी प्रकार घड़ी में जितना समय होता है वह उतनी ही बार बजती है, तो बताओ वह एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी, तो इसका आपका आंसर होगा ए ऑप्शन 156 बार। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 160 डिग्री का कोण बनेगा, बी ऑप्शन आपका होगा। अगला 37वां क्वेश्चन है,
यदि सुधा प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री है, सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, तो ये ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। सुधा के दादा का अन्य कोई पुत्र नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, बहन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा भाई, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इस संबंध को प्रदर्शित करता है कि ई डी का मामा है, तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, डी इंटू एफ प्लस ई माइनस एफ, ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए, यदि ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यदि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो ये कुछ साइन दिए हुए हैं और उनको रिश्तों में डिवाइड किया गया, तो पी गुणा क्यू प्लस आर माइनस टी क्वेश्चन मार्क एस में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा ताकि पी और एस का दामान संबंध स्थापित हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा आपका यह आंसर, यह आपका इसका आंसर होगा। तो ये आपकी रीजनिंग के 10 क्वेश्चनों की आंसर की होगी, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे अगले अपने इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हैं 41 to 50, तो इंग्लिश के क्वेश्चन के लिए मैं बुलाऊंगा केशव सर को, केशव सर आपको इनके निशान लगवाएंगे, तो चलो चलते हैं केशव सर के पास। तो देखिए इंग्लिश के आंसर की का जो पहला क्वेश्चन आपका 41 था, वॉलीबॉल इन सेवरल मंथ्स, तो इसका जो उत्तर है यानी कि आपको ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, वॉलीबॉल इन सेवरल मंथ्स, इसका जो उत्तर होगा वो बी है, डिड नॉट प्ले। फिर नेक्स्ट आता है आपका 42वां प्रश्न है, डैश हिज ग्रैंड डॉटर डेली, तो ये आपको वर्ब दी हुई है टू कॉल, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इसका आएगा कॉल्स, बी उत्तर जो है। फिर नेक्स्ट है, दे पासिस मी अप फॉर दैट पोजिशन, आई डैश फॉर दैट पोजिशन, तो 43वें का जो उत्तर होगा वो आपको आएगा बोज पास्ट अप। फिर नेक्स्ट आपका 44th क्वेश्चन, ए पोजिशन फॉर विच नो सैलरी इज पेड, तो इसका जो आपका उत्तर होगा वो आपका उत्तर होगा ऑनरेरी, क्या उत्तर होगा ऑनरेरी, बी ऑप्शन। फिर आपका नेक्स्ट है 45वां, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसका जो उत्तर होगा आपका वो होगा इनएविशेबल, इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन जो है। फिर नेक्स्ट आपका आता है, स्टन का सिनोनिम बताना आपको, इसका जो उत्तर होगा वो आपका होगा डेज, बी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट आता है स्वीप, स्वीप का एंटोनिम बताना आपको, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डर्टी, डी ऑप्शन जो है। फिर नेक्स्ट आता है आपका 48th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन, इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका, जैसे क्वेश्चन है आई हैव डैश हेडेकी, तो इसका जो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, इसका जो ए ऑप्शन है ए, ये आपका सही उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है, द प्रेजेंस ऑफ डॉग्स इन ए हाउस डैश टू कीप अवे स्ट्रेंजर्स, इसका जो उत्तर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, हेल्प्स। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, समवन हु ईट्स ए लॉट ऑफ फूड, तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका बी उत्तर होगा, ग्लटन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी इंग्लिश की भी आंसर की आपकी पूरी होती है। तो आपके इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हो गए, आगे अपने चलते हैं हिंदी के, आपके हो चुके हैं, इतिहास के भी आपके हो चुके हैं, विश्व के महाद्वीप विश्व भूगोल हो चुका है आपका, राजस्थान की कला और संस्कृति, अब अपने चलते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के 10 क्वेश्चनों की तरफ। तो इसका पहला क्वेश्चन है, 2013 में विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने दुर्गों को शामिल किया गया था, तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट का प्रयोग हुआ है, तो जूनागढ़ दुर्ग जो है सह ऑप्शन, ये वो दुर्ग है जिसमें सबसे पहले लिफ्ट का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चित्रकला का पोथीखाना संग्रहालय किस जिले के अंदर है, तो ये है आपका जयपुर जिले के अंदर, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चित्रकारी के पितामह किसे माना गया है, तो इसका ए ऑप्शन होगा रवि वर्मा को, चित्रकारी के पितामह कहा गया है।
अगला क्वेश्चन है, जोधपुर चित्रशैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो जोधपुर चित्रशैली का सर्वाधिक विकास मालदेव के शासनकाल में हुआ, राव मालदेव, बी ऑप्शन। उसके बाद जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना गया है? तो सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को माना गया है, ए ऑप्शन। उसके बाद चित्रशैली का राजस्थान में प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 15वीं शताब्दी से, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बाथिक हस्तकला, 28वां क्वेश्चन है, बाथिक हस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपका आंसर होगा खंडेला, तो डी ऑप्शन खंडेला सीकर। उसके बाद देखो, बाबूजी की फड़ का वचन कब किया जाता है? तो बाबूजी की फड़ का वचन ऊंट के बीमार होने पर किया जाता है, तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। जस्ते की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो जोधपुर की जस्ते की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह आपका कला और संस्कृति के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो अपने मैथ के पोर्शन पर चलते हैं, मैथ के 10 क्वेश्चन, 91 से 110 क्वेश्चन ये मैथ के हैं, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन हैं। इसको एक्सप्लेन अलग किसी वीडियो में करवाएंगे सर से, अभी सिर्फ इसके आंसर बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है, तो इसके विकर्ण की माप 100 मीटर है, तो बताओ मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका आंसर होगा आपका 4800 वर्ग मीटर। उसके बाद देखो 92 प्रश्न नंबर 92, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की माप 10 सेमी है और उनके मध्य की दूरी 4 सेमी है, यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बताओ दूरी समांतर भुजा की लंबाई क्या है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका 5 सेमी, सी ऑप्शन। एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अंतर 60 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका आंसर होगा आपका 14 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, 32 सेमी लंबे तार को वृत्ताकार आकृति में मोड़ दिया जाता है, तो इसके द्वारा घिरे क्षेत्रफल का मान बताओ? तो 94 का उत्तर है ए ऑप्शन, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद देखते हैं 95 क्वेश्चन, तो 95 क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, 1300 मीटर स्क्वेयर। उसके बाद 96वां क्वेश्चन है, 96 क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका सी ऑप्शन, 4.61 सेंटीमीटर। उसके बाद 97वें क्वेश्चन नंबर 97 का है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 5 मीटर है तथा एक विकर्ण 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, 24 वर्ग मीटर। 98वां क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा बताओ? तो इसका 98वें प्रश्न का आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। 99वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 मीटर 17 मीटर और 15 मीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल बताओ? तो इसका आंसर होगा आपका 60 वर्ग मीटर। और 100 नंबर प्रश्न है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में हैं, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेमी स्क्वायर है तो कर्ण की लंबाई है? तो इसका आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, 39 सेंटीमीटर। तो आगे चलते हैं, अपने करंट के क्वेश्चन हैं, तो अपने 101 से 120 ये 20 प्रश्न करंट के प्रश्न हैं, तो इनके आंसर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश में नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो नया वाणिज्य दूतावास बांग्लादेश में खोलने की घोषणा की है, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 53वीं GST परिषद की बैठक नई दिल्ली में कब हुई? तो इसका आंसर होगा 22 जून 2024 को हुई थी, तो डी ऑप्शन, 22 जून 2024। नेक्स्ट देखो, भारत और बांग्लादेश ने रक्षा, डिजिटल साझेदारी, समुद्र सहयोग आदि पर कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा 10 समझौतों, बी ऑप्शन 10। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अतुल कुमार चौधरी, ए ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। शिक्षा नीति 2020 के तहत किस जिले में निपुण अभियान की शुरुआत की गई है? तो निपुण अभियान की शुरुआत जी चित्तौड़गढ़ जिले से की गई है, तो इसका आंसर डी आंसर होगा। अगला देखो, हाल ही में उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी मोहनपुरा गांव किस जिले में बनकर तैयार हुई है? तो इसका आंसर होगा सीकर, ए आंसर होगा आपका, सीकर जिले में तैयार हुई है।
अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कितने मेगावाट ऊर्जा के 4 सोलर प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसका ऑप्शन होगा सी 2950 मेगावाट। हाल ही में किस दुर्ग को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में पर प्रदर्शित किया गया है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, डी ऑप्शन होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को हाल ही में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न देखो, बीएसएफ राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग एवं ब्रीडिंग सेंटर किस जिले में खोला गया है? तो इसका आंसर होगा बीकानेर, बी ऑप्शन। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान में कुल कितने घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अभी हाल ही में चलाई गई ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है जो सोलर प्लांट से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा 5 लाख। तो 5 लाख घरों को सोलर प्लांट देने का लक्ष्य रखा गया है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने किसको अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो गिरीश तांती, सी ऑप्शन, गिरीश तांती को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो देखो, हेमिस महोत्सव लद्दाख के अंदर मनाया गया है हाल ही में, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया है? तो अभी आप सभी जानते हो, अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, नई लोकसभा का गठन हुआ है, तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भृतहरि महताब को नियुक्त किया गया है, और अभी लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला जी को बना दिया गया है, तो प्रोटेम स्पीकर इनको बनाया गया था, भृतहरि महताब जी को, तो डी ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको UVCE यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का पहला निदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा आपका एस त्रिपाठी, ए ऑप्शन, एस त्रिपाठी को। नेक्स्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? तो देखो, सी ऑप्शन इसका जो है, स्वयं और समाज के लिए योग, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम है। उसके बाद देखो, विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, डी ऑप्शन होगा इसका। भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किस बैंक के साथ एक ऋण समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा एशियाई विकास बैंक, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो, ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो रूस देश के अंदर ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किया जा रहा है, बी ऑप्शन। बोन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका उत्तर होगा जर्मनी देश, जर्मनी में किया गया। विश्व शरणार्थी दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम रखी गई एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत है, ये थीम रखी गई थी, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से ये अपने आंसर हो चुके हैं सभी सब्जेक्ट्स के। तो एक बार देखते हैं, कोई सब्जेक्ट रहा तो नहीं। तो सबसे पहले आपके 10 क्वेश्चन आपको विज्ञान के दिए गए थे, विज्ञान के एस के सर ने आपको आंसरों के निशान लगवा दिए हैं। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल के मैंने आपको 10 प्रश्नों के निशान लगवा दिए हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का भूगोल, ये केशव सर ने आपको आंसर की करवा दी है। उसके बाद तर्क शक्ति रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन, उसके निशान लगवा दिए गए हैं। उसके बाद अपने इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चनों के निशान हो चुके हैं। हिंदी के मैम ने आप 10 क्वेश्चन संधि के थे, उसके निशान आपको लगवा दिए हैं। राजस्थान हिस्ट्री आपके आंसर की हो चुकी है, इसकी भी। विश्व भूगोल, इसकी भी आंसर की हो चुकी है। और राजस्थान कला व संस्कृति, इसके 10 क्वेश्चनों के भी आंसर हो चुके हैं। और मैथ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इस तरह अपनी ये पूरा पेपर जो 27 तारीख को हुआ था CET का, उसके 120 क्वेश्चन थे सभी सब्जेक्ट्स के, 120 क्वेश्चनों की आंसर की आपको बता दी गई है। उम्मीद करते हैं आपने अच्छी तैयारी की होगी, आपका पेपर अच्छा गया होगा। और इस तरह से ये आपका पेपर था। इसके अलावा यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो ये आपकी वेबसाइट दी हुई है, कोचिंग सेंटर की वेबसाइट है, www.abhikalpinstitute.com, वहाँ जाकर ले सकते हैं। और
अगर किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी चाहिए तो हमारे कोचिंग सेंटर में आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभिकल्प इंस्टीट्यूट, भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन, ये मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो इसी तरह अपने हर हफ्ते तो टेस्ट होते रहेंगे, उम्मीद है आप टेस्ट में अच्छे नंबर लाएंगे और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, ध्यान रखें, धन्यवाद।